आज का स्टोरी एक ऐसे जगह की है जो इस एरिया का सबसे भूतिया के नाम से जाना जाता है, या हॉन्टेड एरिया कह सकते हैं। और ये जगह नर्मदा नदी के किनारे पर है। दरअसल ये बहुत बड़ी पहाड़ है और नर्मदा का पानी उस पहाड़ से टकरा कर जाती है, जिससे उस पहाड़ के नीचे पूरा खोखला हो चुका है और ज्वालामुखी फटने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। इस जगह के लोगों का कहना है कि यह बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड एरिया है, मतलब भूतिया जगह है। यहाँ कभी कभी ऐसी घटना देखने के लिए मिलता है जो लोगों के मन में एक आश्चर्यचकित कर देता है। और इस जगह पर पूर्णिमा और अमावस्या के रात में जाना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अरे अच्छा, तो गाइस इसको बोलते हैं यहाँ का अमोदा का सुरंग। मछुआरे लोग यहाँ पे हैं। ओके, ये तो एक नर्मदा नदी है बट इसको अमोदा धार के नाम से जानते हैं। बट यहाँ के लोगों का कहना है, पूर्वजों का, कि यहाँ बहुत पहले लोग वो ये आमोदा धार में डुबकी लगाते थे। एक महालाइन का पान होता है, जो पान होता है बड़ा बड़ा, वो पान लेके आते थे नीचे से। तो लोगों का मानना है कि यहाँ पे एक सुरंग था पहले, बट वो सुरंग जो था वो रियल में एक सुरंग ही था, जो यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये ऐसा है। अभी बारिश आने की वजह से ये मतलब गिर गया है। नहीं, इसके पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये देखिए, पानी की वजह से ये सुरंग जो है, तो ये नदी से ज्वाइंट है यहाँ से, और यहाँ से होता हुआ ये सुरंग जो फटा हुआ है, देख पा रहे हो कि कितना खाई हुआ है। यहाँ अभी मिट्टी को रोकने के लिए कुछ बांध वगैरह बना दिए हैं, और यहाँ से ऐसा दिख रहा है। अगर मैं इसको नीचे से अगर करूँ तो देख पा रहे हो कि ऐसे लग रहा है कि एक यहाँ बीच बीच में कोई सुरंग है, बाकी उधर भी नहीं है, ओनली फार इधर ही है। ये दो सुरंग है, एक ये जा रही है सुरंग ये करवी मट्टा के लिए, अब ये सीधे इधर जाती है, उधर पे है, और उसको बोलते हैं वो है करवी मट्टा। यहाँ पे लोगों का श्रद्धा भक्ति सारे चीज़ें भूत वगैरह जो भी हो वो सब यही है। तो और ये देखो, अगर मैं इधर से दिखाऊंगा तो ऐसे दिखता है ये, यहाँ से ऐसे। अगर मैं जूम करता हूँ, ये देखो, एक जाती है सुरंग उधर साइड जो अभी बंद हो चुका है, और दूसरा सुरंग जाती है इधर साइड, ये मट्टा के लिए, इस मट्टा में, बट ये भी अभी बंद हो चुका है पानी आने की वजह से। और दूसरा जो सुरंग था वो इधर से गया था, मतलब एक इधर से ये, हाँ, ओ यहाँ से एक सुरंग इधर निकलती है और ये जाके वहाँ नदी पे मिलती है, इधर नदी पे। दिस इज सुरंग, ये एक सुरंग इधर से जाती है और ये सुरंग यहाँ से लेकर उधर जाके नर्मदा में मिलती है। हेलो गाइस, तो यहाँ लोगों का कहना है कि मतलब यहाँ पे सुरंग है। लोग कहते हैं कि नीचे सुरंग था बहुत पहले, कहना है कि मतलब नीचे सुरंग है, ये है करवी मट्टा, इसको बोलते हैं करवी मट्टा। और यहाँ लोगों का श्रद्धा बहुत है कि इसको देवियों का बहुत ज़्यादा श्रद्धांजलि है, ऐसे करके लोग कहते हैं। बट उन लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा पुराने जो रीति रिवाज हैं वो, कि यहाँ पे सुरंग था, उस सुरंग का ऐसे पता लगाया उन लोगों ने कि यहाँ पे जैसे हम कहीं पे जाके अगर कूदते हैं इस तरह से कूदते हैं, तो अगर नीचे पलटा होता है तो धम की आवाज़ आती है। बट अभी तो हम उसी का टेस्ट कर रहे हैं इधर उधर जाके, लेकिन कहीं पर मिल ही नहीं रहा है, हो सकता है इधर कहीं एक दो बार देख, यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है गाइस, बिल्कुल भी नहीं है, इधर नहीं है, नहीं।
तो गैस यहाँ पे इस तरह से शायद यहीं पे धूनी धाम लोगों का क्या क्या चलता है। और यहाँ चिमटा वगैरह देख पा रहे हो कि यहाँ बहुत सारे पब्लिकों का। और ये है नगाड़ा, ये ओरिजिनल नगाड़ा है। हे गाइस, माय नेम इज़ मनोज और हम लोग बात कर रहे हैं, आज आए हैं करीमट्टा। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब ये अगर इंग्लिश में बोलें तो हॉन्टेड एरिया, हॉन्टेड एरिया के नाम से जाना जाता है। बहुत ही भूतिया जगह लोगों को कहते हैं कि ये जो पहाड़ दिख रहा है वही है करीमट्टा, वो जो दिख रहा है ना। और यहाँ के बहुत सारे यार कि यहाँ खाई है बहुत भयानक, नीचे मतलब सुरंग है बहुत ज़्यादा, जिसमें चांस है कि भूकंप फिसर में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक बार ऐसा हादसा हुआ था कि यहाँ पे हैंडपम्प खुद रहा था, हैंडपम्प की खुदाई हो रहा था, वो जो पेड़ एक देख पा रहे हैं जो घर हैं वहीं पास आसपास में। तो अचानक का क्या हुआ कि हम लोग एट क्लास में थे उस समय, उसी समय ऐसा हुआ था कि मतलब 100 फीट लगभग नीचे खुदाई हुआ, 100 फीट हैंडपम्प की। और इसके बाद फिर वहाँ से इतना मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर से वहाँ से पानी निकलना चालू कर दिया, और जितना हैंडपम्प खोदने वाला गाड़ी था वो पूरी तरह से फेंका गया था, दूर दूर साइड में फेंका गया था। और बहुत ज़्यादा लगभग 100 फीट आसमान में ऊपर वो पानी नीचे से जा रहा था, उसके साथ रेत निकल रहा था, वाइट रेत। तो इसका मतलब हो सकता है कि नीचे कोई पत्थर हो, बहुत बड़ा सुरंग हो। और लोग कहते हैं कि यहाँ का सुरंग जो है मतलब लगभग 45 किलोमीटर है यहाँ से लेकर टोटली जबलपुर तक सुरंग है, ऐसे बोलते हैं। बट अभी जो बांध बनाने वाले रिसर्च सेंटर था, उन लोगों ने रिसर्च किया तो रिसर्च में भी शायद यही मिला है सुरंग, इसी वजह से बांध वगैरह भी रोक दिया गया है यहाँ का, नहीं तब तक में बांध बन चुका होता। यहाँ पूरा इन लोगों ने सब्जी लगा के रखा हुआ है, पूरी तरीके से टमाटर ही टमाटर प्लाट यार, इतनी खतरनाक टमाटर हुआ है। हो सकता है नीचे का पानी है, मतलब सुरंग का जो मिट्टी है, सुरंग से जो नीचे का जो मिट्टी है वो आके इधर आ गया होगा, इसके वजह से टमाटर यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है। एक चौंकाने वाली बात एक और है कि ये इतने पहाड़ में है, मतलब नर्मदा नदी काफ़ी नीचे है, बहुत ही नीचे। ये जो पहाड़ दिख रहा है, ये जो खंभा दिख रहा है, इसके नीचे काफ़ी नीचे है। और ये पहाड़ है, ये चढ़ाई, ये काफ़ी ऊपर है। और यहाँ से देखो ये आया है ऐसे ऐसे, मतलब वो पहाड़ बहुत ऊपर है और वहाँ से ये ऐसे आया ऐसे। और ये देखो हमने भी अभी ऊपर ही है, कोई ज़्यादा नीचे नहीं है। और यहाँ पर देखें कि मैं एक चीज़ आप लोगों को एक अचंभव चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ये पहाड़ इतना ऊपर है, ओके, पर्वत ऊपर है, और इतने ऊपर पे देखिए यहाँ पे एक चिड़िया है, इधर ऐसा एक कुआं है, साइड में कुआं खुदाई किया गया है, और एक ये चिड़िया टाइप का यहाँ पे इन लोगों ने पत्थर से बना दिए हैं, तो देवियों का कुछ आश्रय है ऐसे करके बोलते हैं यहाँ पे, मेढक वगैरह है। और ये शायद ये कुछ खड़ा है, यहाँ पानी है थोड़ा सा लग रहा है, हल्का सा पानी है, मैं उधर दिखाने को कोशिश करूँगा, देखो तो थोड़ा सा पानी है, शायद इसमें पवित्र करके मतलब पैर में छीटा मार के इसमें जाते हैं सर लगते हैं। यहाँ चमेटा वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ देखो इतना ऊपर में यार, इतना ऊपर में कैसे पानी निकल सकता है, सोचो, एक अचंभव चीज़ है कि इतना पहाड़ के ऊपर नदी इतना खाई में है, बहुत ज़्यादा खाई में। अब इधर भी देख सकते हो कि ये एक सुरंग था, उधर से सुरंग आया हुआ है नर्मदा नदी साइड से, जो मैंने आप लोगों को पहले दिखा रहा था वही सुरंग इधर से आया हुआ है और ये इधर जा रहा है। अब ये सुरंग पूरा सा बारिश के वजह, पानी की वजह से वो हो गया है, और ये सुरंग ऐसे गया है, ऐसे गया, ऐसे 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 यहाँ से लेकर
यहाँ से लेकर ऐसे गया सुरंग, ऐसे टोटली एक सुरंग इधर गया, एक सुरंग इधर गया। अभी इतने ऊपर में देखो पानी हो सकता है, हो सकता है ऐसे हो सकता है कि कहीं नर्मदा नदी का मतलब सुरंग से पानी का कनेक्शन होगा इसका। अगर मैं कुआं की बात करूं तो ये कुआं में भी काफ़ी सारा पानी है, बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ भी ऊपर ही है पानी, इतना ऊपर पानी एकदम ब्लैक दिख रहा है। इसका मतलब ये है कि शायद कुआं भी काफ़ी गहरा है यार, पास जाने में डर लगता है। हेलो, ओ आवाज़ भी रिटर्न आ रही है। बस कर रहे है, बस कर। मेरे को लग रहा है नहीं बजा पाऊंगा, लेकिन एक दिन तो बजाऊंगा इसको। चलो नहीं चलो का यार, खा पी मास भूख लग गई। अरे हो गया है, अगले ओकर ये चढ़े तो नहीं आन कभी, एक री चढ़ाई कुत्ती कने एक बार मार ले बस उतार दे बस। इतना देर से कहबो कहबो कहत, बहुत देर में हिम्मत करे हन का घुमाए देख रही।